तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर वन फायर में 9 ट्रैकर्स डेड, 30 बचाए। तमिलनाडु वन जंगल ट्रैकर्स ट्रैक से वापस कुरंगानी पहाड़ियों तक जा रहे थे, जब वे तमिलनाडु वन जंगल में फंस गए थे। दक्षिणी तमिलनाडु में रविवार को जंगल में बड़े पैमाने पर जंगल में फंसे 39 ट्रैकर्स में से 9 मरे हुए थे, 30 लोग ज्यादातर छात्रों को बचाया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर अधिक फंसे ट्रैकर्स के लिए खोज रहे हैं। महिला दिवस मनाने के लिए चेन्नई ट्रैक इन क्लब द्वारा आयोजित ट्रैक से 25 महिलाएं और 3 बच्चों का एक समूह लौट रहा था, जब तेनी जिले के कुरहनिनी पहाड़ियों में आग लग गई। रविवार को वापस अपने रास्ते पर समूह एक पहाड़ी पर फंस गया था, आग से घेर लिया। तमिलनाडु में जंगल में फंसे 39 ट्रैकर्स में से 9 लोग मरते हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर अधिक फंसे ट्रैकर्स के लिए खोज रहे हैं। 30 लोग ज्यादातर छात्रों को बचाया गया है और अस्पताल ले जाया गया है। ब्लेज से बचने के लिए कई पत्थरों पर कूद गए। रविवार को सूर्यास्त से पहले पहाड़ियों से लिया गया एक वीडियो, कुछ महिलाएं झूठ बोल रही है जो हिलने में असमर्थ हैं, चला चोटों का संकेत देते हैं। तेनी जिले के अधिकारी स्कंदसामी ने बताया, ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ितों को नियमित निशान से भटकना पड़ता है, यह एक लोकप्रिय स्थान है। उन्होंने कहा कि जंगल में अभी भी ज्वाला नियंत्रित है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी से अनुरोध पर बचाव कार्यों में मदद के लिए वायुसेना को निर्देश दिया। सुश्री सीतारमण ने कहा, हम एक LHP ला रहे हैं जो एक हल्का हेलीकॉप्टर है, जिससे कि गतिशीलता बेहतर रहेगी, क्योंकि यह चट्टान लगभग एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है और वहाँ एक स्तर के मैदान में नहीं है, वे भूमि कर सकते हैं। तेने केरल के ठक्का की सीमाएं प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के घर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बचाव और राहत एक युद्धपोत पर है। ट्रैकर्स चेन्नई से 27 लोग और ही रोड और तिरुपुर से एक दर्जन अधिक, सभी छोटे समूहों में अपने ट्रैक से कुरंगानी पहाड़ियों तक लौट रहे थे। स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों ने प्रारंभिक बचाव का प्रयास शुरू किया था। ज्यादातर ट्रैकर्स ने शनिवार की रात को एक संपत्ति में बिताया था और रविवार को यात्रा शुरू कर दी थी। क्षेत्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भास्करन ने बताया, पहाड़ी पर आग में फंसे 39 ट्रैकर्स में से 30 में स्थित हैं और इलाज के लिए तलहटी में ले जाया गया है। बचाव के लिए केरल पुलिस की एक टीम को भी तेनी को भेज दिया गया है। जिला कलेक्टर पल्लवी बलदेव ने कहा, हम जल्द से जल्द इलाज शुरू करने के लिए सभी घायल घाटियों को तलहटी तक ले जा रहे हैं। बचाए गए लोगों में से कुछ गंभीर जलती हुई हैं और उन्हें 75 किलोमीटर दूर मदुरे में सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि ट्रैकिंग करने वाले छात्रों ने पुलिस या वन विभाग से अनुमति नहीं ली। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में बहुत से आग लग गई हैं।